नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक प्रिंटर है एप्सन का, जिसमें कि जो है ब्लैक इंक जो है प्रिंट नहीं हो रही है। तो हम किस तरीके से ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं, इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ। एक टेस्ट पेज जो है मैंने दिया है इसमें, तो ये देखिए। तो इस तरीके से पेपर आ रहा है, ब्लैक वाली इंक जो है वो प्रिंट नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसी बारे में ये वीडियो है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और जो हमारे पास जो एप्सन का ये मॉडल है, ये है एप्सन L350। तो ये इस टाइप के जितने भी मॉडल आते हैं, वो चाहे 210 हो, 220 हो, 360 हो, 350 हो या 380 हो, जितने भी मॉडल आते हैं, ये सब में जो है सेम तरीके से ही जो है इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रिंटर को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये इंक वाली लाइट है, ये भी जो है इसमें ब्लिंक कर रही है। तो सबसे पहले जो है इसकी इंक जो है रिसेट कर देते हैं। अगर आपको जो है ये नहीं आता कि जो है हम एप्सन प्रिंटर की इंक को जो है किस तरीके से रिसेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है चैनल पे वीडियो पहले से ही है, आप उसे जाके भी देख सकते हैं। या तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम जो है ब्लैक इंक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रिंटर कर देते हैं हम ऑफ। प्रिंटर ऑफ करने के बाद जो है इसकी पावर केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और याला कवर जो है हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है हमें ये जो है पोर्शन, याला पोर्शन जो है खोलना पड़ेगा। इसे जो हम पहले थोड़ा आगे कर लेते हैं। इस वाले कवर को जो है निकालना है। यहां से जो है हम इस ब्लैक वाली इंक को जो है निकाल लिया है। उसके बाद आपको जो है एक सिरिंज लेनी है, कोई भी इंजेक्शन मार्केट में 5 रुपए का मिल जाता है। इससे जो है आपको जो है इसको यहाँ पे लगा के जो है इंक को पास करना है। और उससे पहले जो है आपको क्या करना है, जो आपके ब्लैक वाली इंक है उसका जो जो ढक्कन है उसे जो है आपको खोल लेना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है इंक इस तरीके से आपको जो है इंक निकाल लेनी है, और उसके बाद इसे जो है वापस लगा देना है। इसके बाद एक बार हम चेक करते हैं कि अब जो है इस पे जो है ब्लैक इंक प्रिंट हो रहा है या नहीं। उसके लिए जो है हम इसे लगा लेते हैं। पावर ऑन करते हैं प्रिंटर की। एक कॉपी करके देखते हैं। ये देखिए अभी भी जो है ब्लैंक आ रहा है, लेकिन जो हमने कॉपी करी है वो जो है ब्लैंक नहीं है। तो यानी कि ये अभी भी जो है सही नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, इसे एक बार इसका जो है हेड क्लीन चला देते हैं।
आप जो है ये जो बटन होता है इसे भी जो है लॉन्ग टाइम प्रेस करके जो है थोड़ी देर प्रेस करके रखना है और फिर जो है छोड़ देना है। उससे क्या होगा, आपका जो हेड क्लीनिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस वाले बटन को भी जो है आप जो है हेड क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए अभी जो लाइट ब्लिंक कर रही है यानी कि जो है प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा टाइम लेता है। देखो अब जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई है, तो एक बार जो है इसका प्रिंट निकाल के देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। ये देखिए फ्रंट जो है अब जो है ब्लैक कलर जो है आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। अब अगर हम जो है इसका हेड क्लीनिंग एक दो बार और चलाएंगे तो ये जो है पूरी तरीके से प्रॉपर आ जाएगा। तो मैं जो है अब इस पे 2 या 3 बार जो है हेड क्लीनिंग चलाने वाला हूँ और फिर उसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ कि प्रिंट कैसा आ रहा है। कलर आपका आ गया है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर आ गया है। तो अब जो है अगर ये 2-3 बार आप अगर जो है इसका हेड क्लीनिंग चला देंगे तो ये जो है प्रॉपर पूरी तरीके से जो है इसमें आ जाएगा। तो यही प्रोसेस मैं से करने वाला हूँ। तो अभी जो है मैं जो है वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है काफ़ी टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट, वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको आप कुछ नहीं करना है क्योंकि कलर आपका आना शुरू हो गया, पहले जो है बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था तो अब आने लग गया है। तो अब क्या होगा कि एक दो बार और हम चलाएंगे तो वो प्रॉपर पूरी तरीके से आ जाएगा। तो एक बार मैं चला लेता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली जो है अब जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और ये मैंने इसमें करीबन चलाया है 8 से 10 बार। 8 से 10 बार जब मैंने चलाया है उसके बाद जो है अब जो है प्रिंट जो है प्रॉपर आ रहा है। तो मैं आपको एक बार प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब जो है इसका जो है प्रिंट जो है प्रॉपर सही तरीके से आ रहा है। हमें जो है इसका हेड क्लीनिंग जो है 8 से 10 बार चलाना पड़ा है तब जाके ये जो है क्लियर हुआ है। और जो इंक जो पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन जो हमने सिरिंज से जो इंजेक्शन से जो है उसको वहाँ से जो है इंक को जो है इंक जो खींची थी उस वजह से वो प्रॉब्लम सही हो गई थी। और उसके बाद जो है हमें हेड क्लीन करना पड़ता है तो जो है हेड क्लीन करके ये हो जाता है। तो अब ये जो है प्रॉपर तरीके से जो है वर्क कर रहा है। और जो इसका अब जो है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं तो अब जो इसका कलर पैटर्न है वो भी जो है प्रॉपर आ रहा है। तो अब ये जो है प्रिंटर पूरी तरीके से ओके हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है ब्लैक इंक का अगर प्रिंट नहीं ओके आ रही है तो आप जो है अपने सिस्टम पर सही कर सकते हैं और ये सभी प्रिंटरों पे जो है वर्क करता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।